हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ अपना किचन का मेकओवर, क्योंकि बहुत दिनों से किचन का मेकओवर मैं नहीं की थी। थोड़ा सा लाइट भी ख़राब हो गया था तो नहीं कर पा रही थी, तो फाइनली आज मैं कर रही हूँ अपना किचन का मेकओवर। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं ये दीवार को कलर कर ली थी और गैस को मैं यहाँ ला के रखती हूँ, बाहर में ला के रखती हूँ, क्योंकि मेरा गैस का बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो इसी के लिए मैं गैस को बाहर में ला के रख दी हूँ और दीवार को भी मैं कलर कर दी हूँ अच्छी तरह से। देख सकते हैं आप, किचन है, छोटा सा किचन है, बहुत बुरी तरह गंदा हो चुका है। लाइट नहीं थी, अभी हस्बैंड हाल फिलहाल में ही लाइट लगाए हैं। और ये दीवार का हाल देखिए किस तरह हो गया है। तो ये कलर हम लोग को करने के बावजूद भी ये इस तरह सा पपड़ी जैसा निकल आता है, देखिए इस तरह सा। तो इसका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रेंटेड है। हम लोग इस बार सोचे थे क्वार्टर मिल जाएगा तो क्वार्टर हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन बस किस बद किस्मती से हम लोग को इस बार क्वार्टर नहीं मिला। और ये जो मैं वॉल स्टिकर लगाई थी वो भी ख़राब हो चुका है, तो इसको भी मैं चेंज कर लूँगी और इसे थोड़ा सा मैं कलर करूँगी सोच रही हूँ। देखते हैं कितना हो सकता है पॉसिबल उतना ही मैं कलर करूँगी। तो ये बहुत बुरी तरह से, देखिए ये बहुत बुरी तरह से ऐसा बस इस तरह सा, ये बस कुछ ही दिन जाता है, उसके बाद में ये फिर से इस तरह से पपड़ी जैसे ये निकल आता है। पता नहीं क्यों निकल आता, समझ में नहीं आता है। आपके पास अगर किसी के पास इसका सलूशन होगा तो बताइएगा ज़रूर। ये देखिए इस तरह सा निकल आता है ये। अब मैं कलर करूँगी तो ये फिर से निकल आएगा इस तरह से। तो जितना पॉसिबल होगा उतना मैं कलर करूँगी। और ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये जो पेपर है, वॉल स्टिकर है, इसे मैं हटाकर दूसरा स्टिकर लगाऊंगी। तो ये इसी तरह से मैं लगा दी थी, चिपका दी थी, तो इसको भी मैं चेंज कर लूँगी। देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से क्लीन कर चुकी हूँ किचन का। तो देखिए, तो मैं सोची थी पहले यहाँ पर कलर करूँगी, तो अब मैं सोच रही हूँ कलर नहीं करूँ क्योंकि ये बार बार निकल आता है। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी स्टिक पेपर, वॉल पेपर ही मैं स्टिक कर लूँगी। ये वॉल पेपर जो है मैं मार्केट से खरीद के लेकर आई हूँ, कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको। और इसमें गम नहीं रहता है, देखिए फ्रेंड्स, ये इसको स्टिक करना पड़ता है। तो मार्केट में आपको ये इसका गम भी मिल जाएगा, जो इसका गम होता है वो भी मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ही इससे स्टिक करूँगी। ये मैं मैदा का घोल पेस्ट बनाई हूँ और पानी डाल के बस इसको बॉईल कर दी थी मैदा को, और बस इस तरह सा पेस्ट बन गया, गम बन गया। इसी से मैं वॉल स्टिक कर लूँगी। तो गाइस, फाइनल लुक ये है, देखिए मेरा किचन का ये कुछ इस तरह सा है। और यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह सा दिख रहा है। ऊपर में जो है ना, मैं ज़्यादा स्टिक नहीं की हूँ, कलर कर दूँगी। तो ये कुछ इस तरह सा दिख रहा है मेरा किचन, तो देख सकते हैं आप। अभी वॉलपेपर लगाने के बाद में ये इस तरह सा नज़र आ रहा है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला केला फ्राई।
तो इसके लिए मैंने कच्चे केलों को 2 पीसेस में कट कर लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। देखिए इसे पतले पतले पीसेस में मैं कट की हूँ और इस तरह से टिश्यू पेपर से मैं इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको मैं टैप कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर मिलाऊंगी मसाला। तो मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाली हूँ 2 टेबल स्पून दही डाली हूँ। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों को। इसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा बेसन, तो बेसन मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन डाली हूँ और इन सभी को अच्छी तरह से हम लोग मिला लेंगे। इसे हम लोग को 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 से 10 मिनट हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ही मैं ली हूँ सरसों का ऑयल, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं और इसमें मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी केलों को। तो केलों को अच्छी तरह से हम लोग को दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो जब तक हमारे केले फ्राई होते हैं तब तक मैं यहाँ पर बैठाई थी अरबी और आलू, तो ये बॉईल हो चुके हैं। तो आज हम लोग बनाएंगे अरबी और आलू की सब्जी। तो यहाँ पर देखिए मैं अरबी को अच्छी तरह से छील ले रही हूँ और आलूओं को भी छील लेंगे। तो यहाँ पर मैं सारे अरबी और आलू को छिल के रख ली हूँ। अब मैं यहाँ पर डाली हूँ 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल, इसमें मैं डाल रही हूँ पंचफूरन और साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कटे हुए प्याज और थोड़ी सी मैं करी के पत्ते डाल रही हूँ क्योंकि इसका जो फ्लेवर है आपको करी के पत्ते से ही आएगा। अब इन सभी को अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से हम लोग मसालों को भी भुनेंगे ऑयल में अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टमाटर का पेस्ट। तो पेस्ट मैं बनाकर पहले से रख लेती हूँ, उसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो ये 2 टमाटर का पेस्ट है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर टमाटर का जगह में इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ खड़े सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैं यहाँ पर गर्म मसाला डाल रही हूँ और इन सभी को हम लोग को अच्छी तरह से भुनेंगे मसालों को। जब हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाए तब हम लोग यहाँ पर डालेंगे अरबी और आलू को और इन्हें भी अच्छी तरह से मसालों के साथ में भुनेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी का पाउडर क्योंकि हल्दी का पाउडर जो है मैं भूल गई थी डालना और इन्हें हम लोग अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए अरबी और आलू अच्छी तरह से मसालों में फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम लोग को सब्जी को अच्छी तरह से पका लेंगे और इसमें मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा आलू और अरबी का सब्जी बनके तैयार हो गया है और साथ ही में मेरा मसाला केला फ्राई ये भी बनके तैयार हो गया है। तो आज की रेसिपी इतना ही और साथ में मैं बनाई हूँ बॉडी चूरा, तो इसकी रेसिपी फिर कभी मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ में और साथ में सैलेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। बाय बाय।